आज के विशेष कार्यक्रम घाट के ऊपर में सबका स्वागत है। बहुत समय से इस कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे थे। तुषार प्रभु मेरे पीछे पड़े थे, कार्यक्रम करना है यहाँ पे, और एक के बाद एक अलग अलग कार्यक्रम और मैं घूम रहा था। चार धाम यात्रा गया था मैं, 3 दिन पहले ही आया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। 250 लोग थे हमारे साथ में, 13 बस ऊपर पहाड़ियों में, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 माले की 40 माले की बिल्डिंग है, वैसे पहाड़ है, इतने ऊंचे 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 ऊंचा जो ऊपर का हिस्सा है वो बादलों में ही रहता है और बर्फों से ढके हुए, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। हम लोग कितने भाग्यशाली है, हम लोग जानते नहीं हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म इस पवित्र भारत भूमि में हुआ है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग जानते नहीं हैं। बस थोड़ा अगर हम प्रामाणिक बनेंगे, थोड़ा भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो निश्चित इसी जन्म में, इस जन्म के अंत में हम भगवान के धाम में, भगवान के पास, नित्य भगवान के साथ में खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, भगवान के पास गोलोक धाम वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो सही में जिस किसी ने जन्म लिया है इस पवित्र भारत भूमि में, वो भाग्यशाली है, जानते नहीं है। इतने सारे तीर्थ स्थान है इस भारत भूमि में, 4 धाम यहाँ पे उत्तर में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, पूरब में जगन्नाथपुरी, नवद्वीप, मायापुर, यहाँ पे गुजरात में द्वारका है, सोमनाथ, महाराष्ट्र में पंढरपुर, नासिक, दक्षिण भारत में श्रीरंगम, कन्याकुमारी, ऐसे देवस्थान, पवित्र भूमि है, जगह जगह पे तीर्थ स्थान है। यही बताने के लिए कि थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा भगवान का भजन करो और भगवत धाम पहुंच जाओगे। लेकिन इस कलयुग में हम लोग फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, और हमारा भजन भूल जाते हैं, इस जीवन में क्या करना है वो भूल जाते हैं हम लोग, और भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। लेकिन हम सब भाग्यशाली है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ गए हैं,
कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्ति वेदांत स्वामी के कृपा से आज पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिर है और कितने सारे लोग भक्त बन रहे हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में, चाइना में लोग, और ये जो फॉरेन में भक्त बन रहे हैं उनकी एक ही इच्छा है कि हमको इंडिया जाना है, हमको इंडिया जाना है, और इंडिया के लोगों को मुझे अमेरिका जाना है, मुझे चाइना जाना है, मुझे अफ्रीका जाना है। और जो कृष्ण भक्त बन गए स्वामी प्रभुपाद की कृपा से, स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में सेंटर्स खोले, मंदिर बनाए, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार से आप वैकुंठ पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है, दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि ये दुखालय है, मृत्यु लोक है, यहाँ पे समय समय पे तकलीफ आती रहेगी, दुख आता रहेगा, क्लेश आता रहेगा। कोरोना का अनुभव है अभी सब लोगों को, ऐसे क्लेश दुख आते रहेंगे इस संसार में। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो तैयारी कर रहा है ना, क्या तैयारी, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान के धाम में वैकुंठ, जहां पे कोई कुंठ नहीं, जहां पे कोई दुख नहीं है, ऐसी जगह जाना है हमें। हर किसी को सुख चाहिए जीवन में, हर कोई सुख ढूंढ रहा है, तो असली सुख केवल वैकुंठ में प्राप्त होगा। तो हमारी तैयारी चल रही है, हम लोग यहाँ पे सारे प्रामाणिक भक्त बैठे हुए हैं जो भगवान का निरंतर हर दिन 16 माला जप करते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे सत्संग में बैठा हूँ कि यहाँ पे घाटकोपर का उद्धार किया है इन लोगों ने, आसपास में सब लोग रहते हैं घाटकोपर में, और प्रामाणिक भक्त है, हर दिन तपस्या कर रहे, हर दिन 16 माला का जप कर रहे हैं। ऐसे प्रामाणिक भक्त मिलना आसान नहीं है, 16 माला करना इतना आसान नहीं है, कितना कठिन है। ये क्रिया बहुत साधारण है, बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है, जप करना कोई आसान, कोई कठिन बात नहीं है। लहान बच्चे भी अभी कीर्तन हो रहा था, ताली बजा रहे थे, गा रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र ये हर किसी को पता है, हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन निरंतर हर दिन जप करना तपस्या है। 16 माला करना हर दिन, एक माला को कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं उनको 10 से 12 मिनट लगते हैं, लेकिन हर दिन अगर कोई व्यक्ति जप कर रहा है वो बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है। हम सब अलग अलग परिस्थिति में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे जीवन में, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, सुबह से शाम कष्ट कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और हमारे भक्त है वो ट्रेन में जप कर रहे हैं, बस में जप कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ लड़ाई है हमारी, समय नहीं मिल रहा है जप करने के लिए। और वचन दिया है गुरु महाराज को कि 16 माला किसी भी हालत में करूँगा, महाराज गुरुदेव मैं वचन देता हूँ कि जीवन के अंत तक मैं 16 माला जप करूँगा, वचन दिया है हम लोगों ने। तो ऐसे प्रामाणिक भक्त मिलने बहुत कठिन है, तो लगे रहना है, लगे रहो मुन्ना भाई, ये दृढ़ता है किसी भी हालत में, रात के 1 बजे या 2 बजे किसी भी हालत में जप छोड़ना नहीं हमें, ये हमें बहुत जन्मों के बाद मिला हुआ है, बहुत जन्मों के बाद। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ता भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कितनी बार हमने अलग अलग योनियों में जन्म लिए हुए हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, कितने सारे माँ के गर्भों में हमने जन्म लिए हुए हैं, उसके बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला हुआ है हमें, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला हुआ है,
और ये जीवन कहाँ पे, इस पवित्र भारत भूमि में, संतों की भूमि में, देव भूमि। मैं अभी गया था चार धाम, देव भूमि बोलते हैं वहां पे, क्योंकि हर जगह पे साधु संत घूम रहे, तपस्या कर रहे हैं वहां पे, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर वहां पे साधु लोग बैठे हैं। ये चार धाम 6 महीने के लिए खुला रहता है केवल, अक्षय तृतीया को खुलता है, और फिर कार्तिक पूर्णिमा जैसे ही नवंबर दिवाली खत्म होती है बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ से ढक जाता है पूरा, बद्रीनाथ केदारनाथ सब बर्फ से ढक जाता है पूरा। लेकिन ऐसे ऐसे साधु लोग हैं जो बर्फ में बैठे रहते हैं वहां पे, लंबी लंबी चटाएं हैं उनकी, लंबी लंबी दाढ़ी है, और पता नहीं उन्हें ठंडी कैसे नहीं लगती, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। मैं अभी गया था गर्मियों में, ये अभी हमारे लिए तो यहाँ पे गर्मी है, और वहाँ पे रास्ता द्वार खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पहाड़ जो है सारे बर्फ से ढके हुए हैं, अभी वो बर्फ पिघल रहा है और ऊपर इतनी ठंडी है, -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो हम लोग 1 स्वेटर 2 स्वेटर ऊपर से जैकेट, हैंड ग्लोव्स, सॉक्स, कैप पहन के भी ठंडी लग रही थी। और हम देख रहे थे वहाँ पे साधु बैठे हुए हैं, साधु संत बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं बर्फ में। तो ये तपोभूमि है, ये भारत भूमि है, तपोभूमि है, संतों की भूमि है। तो किसी भी हालत में हमारा जो लक्ष्य है उसे भूलना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस जीवन में वैकुंठ को प्राप्त करना, और वैकुंठ प्राप्त करने के लिए हम पूरी तरह से लगे रहेंगे। हर दिन जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं ये साधु लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं बद्रीनाथ केदार में, कुछ लोगों की उम्र जो है 200 साल है, कुछ लोगों की 300 साल 500 साल है। हमें लगता है कि बस 60-70 साल में हम लोग समाप्त होते, लेकिन ये लोग वहाँ पे वो साधु बैठे हुए हैं 200 सालों से 300 सालों से, और इतने शक्तिशाली है, जहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है वहाँ पे पहुँच जाते वो बिना टिकट। उनको वो कोई फ्लाइट का टिकट बुकिंग नहीं करते, ट्रेन का टिकट बुकिंग नहीं करते, कोई बस से नहीं जाते, कोई गाड़ी से नहीं या कोई टू व्हीलर से नहीं, वहाँ पे डुबकी लगाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, हरिद्वार पहुँचते हैं, वहाँ पे डुबकी लगाते हैं, नासिक पहुँचते हैं, वहाँ पे डुबकी लगाएंगे उज्जैन निकल जाएंगे, इतने शक्तिशाली साधु है। स्वामी प्रभुपाद जी एक साधु के बारे में बताते हैं, ऐसे ही एक नागा बाबा थे, नागा बाबा कलकत्ता में रहते थे, त्रिलंगा स्वामी। आप स्वामी प्रभुपाद जी के प्रवचन में सुनेंगे त्रिलंगा स्वामी के बारे में। वो ऐसे साधु थे नागा बाबा, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, वो लोग वैरागी है ना, सब घर छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, और लोगों के उद्धार के लिए, लोगों को मार्गदर्शन के लिए उन्होंने अपना जीवन अपनाया हुआ है। तो ये त्रिलंगा स्वामी कलकत्ता के रस्तों पे नग्न अवस्था में घूम रहे थे, उन्हें कोई कुछ फर्क नहीं था, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी कंप्लेंट कर दी, उनकी तकरार कर दी पुलिस के पास कि अरे समाज में ऐसे घूम रहे हैं वो बिना वस्त्र के। तो पुलिस ने जाके उन्हें पकड़ लिया, कुछ लोगों ने बोला अरे छोड़ो छोड़ो, संत है, साधु है, वैरागी है, नहीं नहीं नहीं, लोग तकरार कर रहे हैं, उनको पकड़ के लेके गए, उनको लॉकअप में डाल दिया। तो रात भर लॉकअप में थे, पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी बदली हो गई, दूसरे लोग आ गए, इंस्पेक्टर चला गया। सुबह उठ के पुलिस वालों ने देखा अरे लॉकअप में कोई नहीं है। परेशान हो गए, अरे गए कहाँ महाराज, गए कहाँ त्रिलंगा स्वामी, गए कहाँ, सब ढूंढने लगे, यहाँ वहां ढूंढने लगे, अरे ताला मार के, किसने छोड़ा इनको, ताला किसने खोला, खोला किसने ताला,
सारे सिपाही बोले, कांस्टेबल ना, किसी ने खोला नहीं महाराज, किसी ने खोला नहीं, गए कैसे ये? और रास्ते पे घूम रहे थे आराम से, हाँ सब ठीक है ना, कैसे? पुलिस वालों को बोल रहे, पुलिस वाले परेशान। इंस्पेक्टर ने बोला पकड़ के लाओ इनको, इनको छोड़ा किसने मुझे बोलो, को बाहर किसने निकाला? सब लोग बोल रहे किसी ने नहीं निकाला, लॉकअप में थे ये लोग, ये कुछ तो इन्होंने कुछ तो किया है महाराज, कुछ जादू करते हैं। बोले हो ही नहीं सकता, डाल दो इनको लॉकअप में वापस। लॉकअप में डाल दिया, दो कांस्टेबल को बिठाया और जो वहाँ का इंस्पेक्टर था इंचार्ज, वो चाबी लेके घर पे चला गया। अब देखता हूँ कैसे बाहर निकलता है, खुद ताला लगाया उन्होंने, चाबी लेके घर पे चला गया। रात हो गई, मध्य रात्रि के समय त्रिलंगा स्वामी गायब। सुबह हल्ला गुल्ला मच गया, इंस्पेक्टर को बताया कि महाराज गायब है, महाराज अंदर है ही नहीं, चाबी तो मेरे पास थी। बोले महाराज हम बता रहे हैं कि ये साधु जो है कोई चमत्कार करते हैं, ये कोई चमत्कार कर रहे हैं, ये गायब हो गए और रास्ते पे घूम रहे थे। ऐसे नहीं कि भाग गए, छुप गए कहीं पे, रास्ते पे घूम रहे थे। और कैसे ठीक है ना सब कुछ? लोग परेशान, इंस्पेक्टर परेशान हो गया, कांस्टेबल परेशान हो गया, सब परेशान हो गए। कांस्टेबल जो इतना क्रोधित हुआ था, उन्होंने महाराज के लिए हार लाया, उनके चरण छुए और बोले महाराज ये आपने चमत्कार कैसे किया? बोले कि समाज में आपकी आपके तरफ से मतलब आपके ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट है, तकरार है कि आपको ऐसे आप घूम रहे हैं नग्न अवस्था में, तो आपको मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य, मैं आपको पकड़ के अंदर लेके गया था। लेकिन महाराज इतने शक्तिशाली थे कि वो अपनी सिद्धि से बाहर निकलते थे, वो लॉकअप में से बाहर निकलते थे। तो ऐसे साधु संत आज भी इस पवित्र भारत भूमि में बैठे हुए हैं, हिमालयों में, बद्रीनाथ केदारनाथ में। हमने एक एक साधु को देखा, पूरा शरीर नीला काला पड़ा हुआ है उसका, शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है, और हम सोच रहे कोई ये एडवर्टाइजिंग कर रहा है। बर्फ में बैठा था वो, बर्फ के ऊपर बैठा था, कपड़े नहीं कुछ नहीं। आप खड़े होके देखिए, हाँ 5 मिनट में नीचे आ जाएंगे आप। हम लोग गंगा में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए गए, और मैंने सबको बोला बस में उतरने के पहले कि पानी बहुत गर्म है, और सब लोग इतने दूर आए, हम लोग 8-8 घंटे हम लोग बस से जा रहे थे, 6 घंटे 8 घंटे पहाड़ों के ऊपर। तो मैंने बोला कि इतने दूर आए हैं गंगोत्री में स्नान करने के लिए, तो सब लोग कम से कम आधे घंटे बैठ जाना पानी के अंदर। सब लोग ने अपने कपड़े वगैरह निकाले और गमछा लगा के पानी को जैसे छुआ। मैं बोला अरे इतने दूर से आए, कम से कम आधे घंटे तो बैठो। बोले प्रभु आधे घंटे क्या, 1 मिनट 1 सेकंड अंदर घुस नहीं सकते, बर्फ का पानी पिघल के आ रहा है। इतना पानी ठंडा था वहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री में, और ये साधु बैठा था वहाँ पे, वस्त्र नहीं कुछ नहीं, खुले केवल पैर में एक प्लास्टिक बांधा था यहाँ पे। मैं तो थोड़ा कभी कभी इन लोगों से डरता हूँ और थोड़ा दूर रहता हूँ, तो मैंने सोचा कुछ एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कभी कोई कुछ साधु लोग एडवर्टाइज भी करते रहते हैं। लेकिन वो प्रामाणिक साधु बैठा था, उसको कोई एडवर्टाइज कुछ नहीं, वो अपना तप कर रहा है, जप कर रहा है, लोग आ रहे जा रहे, बात कर रहे, फोटो निकाल रहे उसके साथ में, बाजू में, इधर उधर, पूरा ध्यान लगा के तप कर रहा था। पता नहीं कितनी उम्र थी उसकी। हाँ तो ऐसे साधु संत हमारे पवित्र भारत भूमि में है। ये हम लोग हरिद्वार में थे और ये साधु संत कभी कभी आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, दुकानों के बीच दुकानों में आते हैं कभी कभी। तो वहाँ के दुकान वाले लोग हैं ना, वो बहुत डरते हैं उनसे, वो बोलते हैं कि ये लोग इतने तपस्वी लोग हैं, पता नहीं कभी शाप दे देंगे। तो जो भी उनको कभी आते हैं कुछ मांगते तो दे देते हैं उनको, शॉल चाहिए ले लो महाराज, टॉवल चाहिए ले लो। वो मैं ऐसे बैठा था वहाँ पे,
तो वो दुकानदार बोल रहा था, एक ऐसे ही आया था साधु, बड़ी बड़ी जटाएं थी और वो आके बैठ गया दुकान में, तो मैंने उल्टा पुल्टा बोल दिया, क्या बैठ गया इधर, ये सब गंदा कर दिया ये कर। तो उसके बाद एक हफ्ते तक दुकान बंद रही बोलते बोला पता नहीं क्या शाप देके गया या क्या हो गया, मैंने उसको नाराज कर दिया। बोलते जो भी साधु आता हूँ उसको मान सम्मान के साथ बिठाता हूँ, उसको दूध पिलाता हूँ, उसको शरबत पिलाता हूँ। बोले पता नहीं फिर से एक हफ्ते तक बंद हो जाएगी दुकान। तो ऐसे साधे सारे दुकान वाले डरते हैं वहाँ पे साधु संतों से, बोलते कि ये इतने तपस्वी लोग हैं। कभी कभी आते हैं वो पहाड़ों में से नीचे आते हैं, नहीं तो ऊपर ही रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं। क्या खाते हैं मालूम नहीं, मैं पूछ रहा था कुछ लोगों को, थे लोग चना खाते, केवल चना खाते या जड़ी बूटी कुछ पत्ते खाते हैं, कुछ घास खाते हैं। घास खाने के बाद उनको बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, उनको पता है कि कौन सी जड़ी बूटी खानी है, क्या खाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस भारतवर्ष में जो हम लोग जानते नहीं हैं। तो इतने पवित्र तीर्थ स्थान है, हमारा एक भगवान श्री कृष्ण का प्यारा वृंदावन है, हम लोग सब जाते हैं वृंदावन धाम में। सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग दिव्य लीलाएं की है वहाँ पे। तो एक वृंदावन की हम लीला बताएंगे। भगवान कृष्ण बड़े छोटे थे, एक बालक थे और कंस भगवान कृष्ण से बहुत डरता था। कंस मथुरा का राजा था, लेकिन आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र आपके मृत्यु का कारण बनेगा। और दिन रात कंस जो है भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा था। हम भी नहीं सोचते कृष्ण के बारे में दिन रात, लेकिन सोचिए वो दिन रात कृष्ण के बारे में सोच रहा था। उसे डर लग रहा था कि कृष्ण किस दिन कब किस क्षण मुझे मार देंगे पता नहीं है। कृष्ण के बारे में सोच रहा था वो, मैं कृष्ण को कैसे मारूं, कृष्ण को कैसे खत्म कर दूं। और कृष्ण को ढूंढने के लिए कंस जो है अलग अलग राक्षसों को भेज रहा था मारने के लिए। और उसने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था पूतना, एक राक्षसी थी वो। और वो ढूंढते आ गई भगवान कृष्ण को गोकुल महावन में। ऐसे पता चला कि गोकुल महावन में भगवान कृष्ण रहते हैं, तो वहां पे ढूंढते आई वो। और वो सारे छोटे छोटे बच्चों को मार रही थी, उसे पता नहीं था कौन से कृष्ण हैं। तो उसको आदेश मिला था कि जितने भी छोटे बच्चे जन्म हुआ है उनको मार दो। वो आ रही थी और सारे छोटे छोटे बच्चों को मार रही थी। तो उसे पता चला कि यहाँ पे एक नंद भवन है जिसमें एक बच्चे का जन्म हुआ है, बहुत सुंदर बच्चा है, विशेष बच्चा है। तो वो वहां पे आ गई कृष्ण को मारने के लिए। उसने अपने छाती पे अपने स्तनों पे जहर लगाया था और सच डच के आई। ऐसे किसी को पता ही नहीं चला कि अरे ये कोई राक्षसी है या राक्षस है। एकदम मिस वर्ल्ड सुंदर कपड़े पहने थे, ऐसा मेकअप किया था, बालों में गजरा, लिपस्टिक, लाली लगा के, एकदम परफ्यूम लगा के, हर कोई देखते रह गया रास्ते पे, अरे कौन सी देवी आ गई, कहाँ से आ गई। और वो चलते 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 गोकुल महावन में पहुंच गई भगवान कृष्ण के घर पे। और किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने कोई पूछा नहीं, अरे आज तक तो देखा नहीं था इस देवी को। वो आई और यशोदा माई वहां पे आंगन में बैठी थी। यशोदा माई से बोली कि मैं लाला को देखना चाहती हूँ।
तो यशोदा माई ने भी रोका नहीं और वो चली गई अंदर जहाँ पे बाल गोपाल कृष्ण झूले में सोए थे। जैसे ही पूतना वहाँ पे पहुँच गई, भगवान कृष्ण बाल गोपाल ने अपनी आंखें खोल ली और देख लिया, पता चल गया उन्हें कि कोई आया हुआ है। हाँ, इतना परफ्यूम लगाया था। हाँ, उनके आवाज़ से बाल गोपाल ने अपनी आंखें खोल ली और देख लिया कि ये कौन है। अपना एक्सरे चालू कर दिया, एक्सरे मशीन भगवान कृष्ण ने देख लिया एक्सरे मशीन से ये कौन है। तो बाल गोपाल समझ गए कि ये राक्षसी है जो मुझे मारने के लिए आई हुई है, ये मुझे मारने के लिए आई हुई है। और कोई चाकू तलवार नहीं लेके आई थी, लेकिन उसने अपने छाती के ऊपर जहर लगाया था। उसने कृष्ण को देखा, वो पहले डर गई कि अरे ये बच्चा बहुत शक्तिशाली तो नहीं है, कौन है पता नहीं। और कृष्ण ने भी उनको देखा लेकिन अपने आंखें बंद कर ली कृष्ण ने। तो वो समझ गए कि यार ये बच्चा सो रहा है, चलो इसको उठा लेती हूँ और इसको मैं दूध पिलाऊंगी। जैसे ही बच्चे को मैं अपने छाती से लगाऊंगी और वो दूध पीने लगेगा, तो मेरे छाती के ऊपर जहर लगा हुआ है, वो जहर पी लेगा और बच्चा समाप्त हो जाएगा। बाल गोपाल को उसने उठा लिया, अपने छाती से लगाया। कृष्ण तो समझ गए कि अरे ये मुझे दूध पिलाने का ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, लेकिन इसने जहर लगाया अपनी छाती के ऊपर। बाल गोपाल ने दूध पीना चालू कर दिया, जहर पी लिया और वो सोच रहे थे कि यार ये माँ की तरह मुझे दूध पिला रही है, कितना प्रेम कर रही है मेरे साथ, मुझे प्रेम से दूध पिला रही है, लेकिन वो तो जहर पिलाने आई थी। बाल गोपाल समझ गए, बाल गोपाल ने जहर पी लिया, दूध पी लिया और फिर वो पूतना के प्राण खींचने लगे, इतने जोर से स्तनों को पकड़ लिया बाल गोपाल ने अपने मुंह से कि वो पूतना चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। और वो बाल गोपाल को छाती पे लेके घर से बाहर निकली, दौड़ने लगी। सब लोग हैरान हो गए, क्यों चिल्ला रही है ये। बाल गोपाल को पकड़ के रखा था उसने, बाल गोपाल ने उसको पकड़ के रखा था, छोड़ नहीं रहता, इतने छोटे छोटे हाथों से पकड़ के रखा था उसको। और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और जैसे ही आंगन में आई, उसका रूप जो है स्वरूप विशाल हो गया, एक ऊंची एकदम राक्षसी, इतनी ऊंचा ऊंची, लाल लाल बाल, बड़े बड़े आंखें उसके, बड़े बड़े दांत थे उसके, भयानक। लोग भागने लगे यहाँ वहां और यशोदा माई चिल्लाने लगी, अरे गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपे, मेरे गोपाल को लेके जा रही है, मेरे गोपाल को लेके जा रही है। और वो भागने लगी, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, आंगन से बाहर दौड़ते दौड़ते गांव से बाहर खेत में भागने लगी। विशाल रूप हो गया उसका और आगे जाके वो खेत में धड़ाम करके गिर गई। लोग पहले डर रहे थे, जब वो गिर गई लोग भाग के आए, यशोदा माई दौड़ के आ रही थी, मेरे गोपाल को बचाओ, मेरे गोपाल को बचाओ, मेरे गोपाल को बचाओ। लेकिन ये राक्षसी समाप्त हो गई थी वहां पे, उसकी मृत्यु हो गई। बाल गोपाल ने उसके प्राण खींच लिए और उसकी मृत्यु हो गई। यशोदा माई आई दौड़ के और उसे कोई डर नहीं था कि यार ये राक्षसी है, उसके शरीर के ऊपर चढ़ के गोपाल को उठाया और अपने गले से लगा के दौड़ के बाहर लेके आई वो। और फिर यशोदा माई गोपाल को घर के अंदर लेके आई, दूध पिलाने लगी। ऐसे बोलते, अगर बच्चा दूध पीता है आराम से तो फिर वो सुरक्षित है,
और फिर गोबर से, गोमूत्र से, गाय की पूंछ से उसकी नजर निकाल रहे थे। यहां पे इस पूतना की मृत्यु हो गई। पूतना आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, पूतना आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण कितने दयालु है। भगवान कृष्ण देख रहे थे कि यारे ये मेरी माँ की तरह मुझे दूध पिलाने आई, ये मेरी माँ ही है। भगवान कृष्ण ने उस राक्षसी को अपनी माँ की तरह देखा, इसलिए उसके मृत्यु के बाद उसको ऐसा स्थान दिया, उसको वैकुंठ भेज दिया भगवान कृष्ण ने। अरे राक्षसी थी लेकिन वैकुंठ भेज दिया उसको, बोला कि जाओ वैकुंठ में, आपको मैं कौन सा स्थान देता हूँ, एक नर्स का स्थान। नर्स होती है ना, सिस्टर नर्स, डॉक्टर हॉस्पिटल में। तो इतना उसको बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम वैकुंठ जाओ, वहाँ पे जब मैं आऊँगा तब तुम मुझे संभालना नर्स की तरह। तो स्वामी प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए अगर कोई भगवान का शत्रु है तो भी भगवान उसको इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं। कोई भगवान को मारने आया, अगर हमको कोई मारने आया तो हम बोलेंगे कि आओ आओ मेरे घर में आओ, आपको खाना खिलाता हूँ, छप्पन भोग खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। अरे आपको मारने के लिए आया कोई, मुझे मारने के लिए आप आयो, मेरा दुश्मन बन के आयो, तो हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको पुलिस के पास लेके जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी बोलते इतने कृपालु है, वो शत्रु उन्हें मारने आया था लेकिन फिर भी भगवान ने उनको वैकुंठ का स्थान दिया। प्रभुपाद बोलते अगर कोई भगवान का भक्त बन जाएगा तो भगवान उसको कितना बड़ा आशीर्वाद देंगे। अरे दुश्मन को भगवान इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अगर भगवान का कोई भक्त बन जाएगा तो उसको कितना बड़ा आशीर्वाद देंगे भगवान। तो हम लोग सब भाग्यशाली है कि हम भगवान के भक्त बन गए, हम लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान का भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, जप कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली है हम। तो इस जीवन में लगे रहना है हमें, अंत तक भक्तों के संग में, सत्संग में, यात्रा में, ताकि इसी जीवन में भगवत धाम पहुंच जाए वापिस, भगवान कृष्ण के पास वैकुंठ में, जहां पे कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है, केवल आनंद कंड, केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और एक फायदा क्या है भगवान कृष्ण के भक्त बनने का, महाभारत की लड़ाई में एक छोटी सी घटना है महाभारत की, ये बता के मैं समाप्त करूंगा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई किसके बीच में थी, भाइयों के बीच में थी, पांडव और कौरव भाई भाई थे, उनमें लड़ाई चल रही थी। लड़ाई की शुरुआत हो गई, दो तीन दिन लड़ाई जोरदार चल रही थी। कौरवों के कमांडर थे भीष्म पितामह, एक दिन शाम को लड़ाई के बाद दुर्योधन भीष्म पितामह के कैंप में आ गया, उनके टेंट में आ गया, और दुर्योधन ने बोला, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बोला, भीष्म पितामह आप पूरे जी जान से लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप पूरी ताकत नहीं लगा रहे हो लड़ाई में, मैं जानता हूं आप इन पांडवों के साथ बहुत प्रेम करते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए आप उनको, उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, पूरी ताकत नहीं लगा रहे, आप हमारे कमांडर हो लेकिन ताकत नहीं लगा रहे हो आप। भीष्म पिता ने बोला, अर्जुन तू मुझ पे शक कर रहे हो, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्योधन बोला, नहीं 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 भीष्म पितामह, आप
ताकत नहीं लगा रहे आप, मैं जानता हूं आप उनसे प्रेम करते हैं। बोले ठीक है। भीष्म पितामह ने बोला ठीक है। कल का दिन भीष्म पितामह ने अपने 5 बाण निकाले, बोले ये 5 बाण और वो 5 पांडव ये आखिरी दिन होगा कल उनका। दुर्योधन बोला काम में आ गया, कभी गुस्से से कुछ बोलते तो काम बन जाता है, काम बन जाता है। दुर्योधन ने बोला भीष्म पितामह ये बाण मुझे दे दो, मेरे पास रखता हूं, कल सुबह दे दूंगा आपको। भीष्म पितामह क्रोधित हो गए, बोले ठीक है, चले गए। वहां पे समाचार भगवान कृष्ण को पता चल गया कि भीष्म पितामह ने शपथ ली हुई है कि कल इन पांडवों का आखिरी दिन होगा और उनके नाम से 5 बाण निकाल के रखे हुए हैं। शाम का समय था, लड़ाई करके सब थक गए थे, अपना खाना खा के वो लोग सोने के लिए गए थे। सब सो रहे थे, सारे पांडव सो रहे थे, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, सारे कैंप में लोग सो रहे थे और भगवान कृष्ण, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। चल रहे वो आगे पीछे चल रहे, ऊपर नीचे चल रहे कि अरे भीष्म पितामह ने शपथ ली हुई है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, रति महारति एक साथ वो 10,000 लोगों के साथ 1,00,000 सैनिकों के साथ लड़ सकते, इतने शक्तिशाली भीष्म पितामह है। इतना ही नहीं, वो एक बहुत ही कड़क ब्रह्मचारी है, पूरे जीवन ब्रह्मचारी का व्रत पालन किया है उन्होंने, बहुत शक्तिशाली है वो। ऐसे भीष्म पितामह ने शपथ ली है कि कल मैं इन पांडवों को समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में शपथ ली थी कि ये लड़ाई में मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार है, पांडव कौरव दोनों भी मेरे रिश्तेदार है, घर में ही लड़ाई हो रही है। और भीष्म पितामह रात को भगवान कृष्ण नींद नहीं आ रही थी, घूम रहे थे ऊपर नीचे। उन्होंने जाके देखा अर्जुन के टेंट में अर्जुन सो रहा है, बाकी लोग भी सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि भीष्म पितामह ने शपथ ली हुई है कि आखिरी दिन हुआ, कल का दिन आखिरी दिन होगा इन पांडवों का। भगवान कृष्ण को इतनी चिंता हुई, अर्जुन को देखा, अर्जुन तो खराटे मार रहा था, हमारे मंदिर में वो वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी है, जो ब्रह्मचारी बनने के पहले कुछ कॉलेज के बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं पिछले 20 साल से मंदिर में टेंपल हॉल में सोता हूँ, मैं प्रभुपाद जी के सामने सोता हूँ, चरणों में सोता हूँ। ऐसे ही रात को एक दिन कार्यक्रम लेट हो गया, लेट पहुँचा मंदिर में, 12:30-1 बजे के समय में जाके मेरा बिस्तर डाल दिया, मैं सो गया। उधर में शेर की आवाज आ रही थी, मैं बोला अरे इतना थक गया, यहाँ पे शेर की आवाज कहाँ से आ रही। मैं बोला आज सोने नहीं देगा ये शेर। उतने में और एक प्रभु जी उठ गए थे, बोले प्रभु पता नहीं यार कौन खराटे मार रहा है इतना जोर जोर से, ऐसे लग रहा है शेर आ गया। बोला कौन कोई? बोले नहीं, नए ट्रेनी लोग आए हुए हैं, वो ट्रेनी में एक ऐसा मोटा सा लड़का है, शायद वही खराटे मार रहा लगता है। तो हम लोग सब साथ में सोते हैं, 20-25-50 लोग, बड़ा टेम्पल हॉल है हमारा, लकड़ी का फ्लोर है, बहुत सुंदर, रात को सोते हैं। तो
फिर हमने दो लोगों ने जाके उसको उठाया, बेटा प्लीज आपसे सब लोग डर रहे हैं। नहीं नहीं मैं सॉरी सॉरी मैं तो आज पहला दिन है मेरा। नहीं नहीं थोड़ा आपके लिए हम अच्छा सा रूम देंगे आज। नहीं नहीं मैं अभी तो नया हूँ, सीनियर लोगों को रूम मिलता है। नहीं आप आपको एक रूम देंगे। क्या हुआ? नहीं आप सोने जाते तो ऐसा लगता है कि अभी कोई बहुत बड़ा मशीन चालू होने वाला है। कभी भी मशीन चलाता है तो उनको फिर अलग से एक जगह पे उनको बोला आपका ट्रेनिंग होने तक आप इसी रूम में सोना और कहीं नहीं, तो सब लोग डर जाते हैं रात को, शेर मंदिर में शेर आता है बोलते लोग। तो अर्जुन वहां पे अपने टेंट में खराटे लगा रहा था। भगवान कृष्ण पहुंच गए वहां पे और अर्जुन को उठाया। अर्जुन अर्जुन उठो, कौन है रात को, रात को कौन है? उतने में अर्जुन ने आके बोले प्रभु स्वामी स्वामी रात को, इतने रात को क्या हुआ? अरे अर्जुन उठो, तुम इतने आराम से सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं? प्रभु क्या हुआ? वहां पे भीष्म पितामह ने शपथ ली हुई है, कल इन पांडवों आप लोगों का आखिरी दिन है आप लोगों का, और तुम इधर आराम से खराटे मार रहे हो, आराम से कराटे मार रहे हो। मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी चिंता हो गई आप लोगों की, इतनी चिंता हो गई। भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भीष्म पितामह ने शपथ ली है। वो जब शपथ लेते हैं पत्थर के ऊपर जैसी लाइन आती है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, उस प्रकार से शपथ लेते हैं वो। भीष्म पितामह ने शपथ ली है, मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम आराम से सो रहे हो। प्रभु मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सोता हूं। कृष्ण बोले तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें कोई चिंता नहीं? प्रभु मैं काय को टेंशन लू, जब मैंने आपका शरण लिया है, मैं आपका भक्त बन गया हूं, टेंशन आपको लेना है? मैं सो रहा हूं। तो जब कोई भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है उसका टेंशन खत्म हो जाता है। फिर टेंशन कौन लेता है? भगवान कृष्ण टेंशन लेते हैं। अरे भाई इसका घर कैसे चलेगा, इसके घर में दो बच्चे हैं, पत्नी है, इसको संसार चलाना है, घर कैसे चलेगा? आप केवल अच्छी तरह से जप करो, सत्संग करो, टेंशन कौन लेगा? कृष्ण लेंगे कि भाई इसका घर कैसे चलेगा, ये मेरा भक्त बन गया है, तिलक लगाया इसने सुंदर, कंठी माला पहनी है, सत्संग में जा रहा है, कीर्तन में जा रहा है, यात्रा जा रहा है, जप कर रहा है, कष्ट ले रहा है जप करने के लिए, टेंशन कृष्ण का है। इसके बाद कृष्ण सोचते कि बस इसको इतना पैसा मिलना चाहिए, इसके बच्चे हैं इनको स्कूल में पढ़ाई करना है, स्कूल की फीस भरनी है, इसके घर में राशन आना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अच्छी तरह से साधना कीजिए, जप कीजिए, सत्संग कीजिए, आपके घर में सामान पहुंच जाएगा। विश्वास होना चाहिए आपको, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो अर्जुन ने बोला प्रभु मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं काय को टेंशन लूं, मैं क्यों टेंशन लूं, टेंशन तो आपको लेना है कि मैं आपका भक्त बन गया हूं, मैं आपका भक्त बन गया हूं, टेंशन आपको लेना है। तो भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन एक काम करना है। क्या काम करना है? वहां पे भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल के रखे हुए हैं तुम्हारे नाम से। क्या हुआ, कुछ चाहिए इसका? ओके नो प्रॉब्लम, कृष्ण टेंशन ले रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन तुम्हें काम करना है, अभी के अभी चले जाओ दुर्योधन के कैंप में चले जाओ और वो जो 5 बाण दुर्योधन के पास है वो लेके आओ। अर्जुन बोला
प्रभु जैसे आप बोलेंगे। अर्जुन रात को निकल गए, दुर्योधन के कैंप में पहुंच गए और वहां पे उनका स्वागत किया सिपाहियों ने। सिपाहियों ने बोला, दुर्योधन को जाके बताया कि अर्जुन आया है। दुर्योधन तैयार हो गया खड़ा होके, और आओ भाई आओ आओ, गले लगाया। बोले, इतने रात को आए हो, कुछ चिंता है क्या? लड़ाई समाप्त कर दे। अर्जुन बोला, नहीं नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो? बोले, तुम्हें याद है तुमने बोला था कि एक बार मैं तुमसे खेलते खेलते जीत गया और तुम आपने बोला चलो मांगो जो चाहिए मैं दे दूंगा, और मैंने बोला था कि मैं समय आऊंगा तब मांगूंगा, आज मुझे तुमसे चाहिए। दुर्योधन बोला, बोलो क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो अर्जुन ने बोला, मुझे वो 5 बाण चाहिए जो भीष्म पितामह से तुमने लिए हुए, बस 5 बाण चाहिए। अरे तुम मांगते तो मैं और कुछ देता था तुम्हें, जो चाहे वो देता था। बोले, नहीं नहीं, मुझे केवल वो 5 बाण चाहिए। दुर्योधन ने वो 5 बाण जो भीष्म पितामह ने निकाल के रखे थे वो दे दिए। अर्जुन लेके भगवान कृष्ण के पास आ गया, बोला, प्रभु आपने मांगे थे 5 बाण, लेके आया मैं दुर्योधन से, ओह मेरी चिंता खत्म। भगवान कृष्ण बोले, आप मेरी चिंता खत्म, आप लोग बच जाओ, बचोगे, नहीं तो मैं भी आपको बचा नहीं पाता, इतना शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली है भीष्म पितामह। दूसरे दिन सुबह हो गई, भीष्म पितामह तैयार होके अपना जैकेट पहन के, अपना हेलमेट पहन के, मुकुट पहन के, तलवार बाण लेके अपने रथ के साथ दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन, मेरे वो 5 बाण दे दो। दुर्योधन आ गया, भीष्म पितामह कौन से बाण? अरे मूर्ख, कल रात को तुम मेरे से लेके गया था, कहाँ है वो बाण? भीष्म पितामह, वो कल रात को अर्जुन आया था और उसने 5 बाण मांगे, मैंने दे दिए उसको 5 बाण। नालायक मूर्ख, मैंने उन 5 बाणों के ऊपर इन 5 पांडवों के नाम लिखे थे, मैं रात भर उसके ऊपर ध्यान कर रहा था, पूरी ताकत लगाई थी, उस 5 बाणों को तुमने दे दिया। भीष्म पितामह बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जाओ तुम जाओ। भीष्म पितामह समझ गए कि ये केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। तो हम भक्त बन जाते हैं तो टेंशन कृष्ण को है कि भाई इसका कैसा होगा, क्या होगा, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन भीष्म पितामह बोले कि मेरा व्रत तोड़ दिया भगवान कृष्ण ने, अब मैं भगवान कृष्ण का व्रत तोड़ूंगा। भीष्म पितामह बोले कि मैं ऐसा भी लड़ूंगा कि भगवान कृष्ण को अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, वचन तोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं इस महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन उस दिन ऐसे लड़े भीष्म पितामह, ऐसे बाण छोड़ रहे थे अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन खड़ा नहीं रह पा रहा था अपने रथ के ऊपर, सारे सैनिक पीछे जा रहे थे, अर्जुन पीछे जा रहा था, उनका रथ टूट गया, अर्जुन को बाण लग रहे थे और परेशान हो गए। भगवान कृष्ण भी परेशान हो गए कि किस गति के साथ, किस ताकत के साथ भीष्म पितामह आक्रमण कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। अर्जुन का रथ टूट गया, भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए, नीचे उतरे कि इस प्रकार से अर्जुन के ऊपर वार कर रहे हो, भगवान कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं, लेकिन वो जो रथ का पहिया था, चक्का था, उसको उठाए और भीष्म पितामह के ऊपर लेके दौड़ने लगे कि बस आज मैं भीष्म पितामह को समाप्त कर दूंगा। भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठाया है।
भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, वो तुरंत रुक गए और भीष्म पितामह ने बोला कि आपने मेरा वचन तोड़ा, मैंने ये 5 बाण इन 5 पांडवों के लिए रखे थे जिनको आज मैं समाप्त करने वाला था, लेकिन आपने उनको बचाया, आपने मेरा वचन तोड़ा, अभी आपको वचन तोड़ना पड़ा, अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ा। तो भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए अपना वचन भी तोड़ते हैं, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना वचन भी तोड़ दिया। तो ऐसे ये भक्त, ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं इनका भक्त बने? एक शत्रु उन्हें मारने के लिए आ रहा है, पूतना राक्षसी जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ आप मेरी माँ बन के रहो वैकुंठ में, आप मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी तो मैं आपको माँ का स्थान देता हूँ वैकुंठ में। तो अगर हम भक्त बन जाएंगे और भगवान का भक्ति करेंगे तो हमें कितना बड़ा आशीर्वाद देंगे भगवान श्री कृष्ण। तो और लोगों को लेके आइए भगवान के शरण में, और लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितने लोग जुड़ जाएंगे वो लोग निश्चित भगवत धाम पहुँचेंगे। जाऊ देवाचा गावा भगवत धाम। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत, संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया कि उठते बैठते खाते पीते काम करते होते स्नान करते हुए ट्रेन में चलते हुए बस में जाते हुए भगवान का नाम स्मरण करते थे, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जितना हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे उतना जीवन हमारा परफेक्ट होता है, होता जाएगा। जाना है गोलोक धाम, टिकट है हरि नाम। जाना है गोलोक धाम, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, उनका एड्रेस श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, गोलोक धाम में रहते हैं भगवान कृष्ण, हमें वहां पहुंचना है। और टिकट क्या है? हरि नाम। जितना भगवान का नाम लोगे आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। अभी बैठे वेटिंग लिस्ट पे भी है कि नहीं मालूम नहीं लेकिन जैसे हम भक्ति में आ जाएंगे कम से कम वेटिंग लिस्ट में तो आ जाएगा हमारा नाम। और बस नाम लेते रहना है, भगवान का नाम जप करते रहना है दिन रात, जैसे संत तुकाराम महाराज ने अपने जीवन में किया। खेत में काम कर रहे थे भगवान का नाम ले रहे थे, कपड़े धो रहे थे भगवान का नाम ले रहे थे, स्नान कर रहे थे भगवान का नाम ले रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे भगवान का नाम ले रहे थे। निरंतर 24 घंटे कीर्तनिया सदा हरि भगवान का नाम ले रहे थे। तो अंत में वैकुंठ से उनके लिए विमान आ गया, गरुड़ जी का विमान आ गया, भगवान विष्णु का विमान आ गया। और इसी पवित्र महाराष्ट्र में यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे देहू, देहू नाम की जगह है लोनावाला के पास, देहू में वैकुंठ से विमान उतरा और इसी शरीर में उस गरुड़ जी के ऊपर, उस वैकुंठ विमान के ऊपर वो सवार हो गए, बैठे और सबको बोल रहे थे अमी जातो हम छावा हम सर राम राम क्या हुआ। भगवान का राम, भगवान का नाम, भगवान का नाम लेते रहो, इसी प्रकार से हमारा जीवन सार्थक होगा अंत में। जाना है गोलोक धाम, टिकट है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़ा आनंद हो रहा है कि यहाँ पे सब एकदम प्रामाणिक भक्त, सब लोग सोला माला करने वाले प्रामाणिक भक्त सब यहाँ पे जमा हुए हैं। आज इस घर को पवित्र वैकुंठ बना दिया है बहुत समय से ये कार्यक्रम पोस्टपोन्ड होते गए और आज कैसे तो हमने यहाँ पे विमान आ रहा है सबके लिए ऊपर से विमान जा रहे हैं और वहाँ से मेट्रो जा रही है हरे कृष्ण। तो हम
प्रभु जी के बड़े आभारी है, बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। मुझे लगा कि थोड़े लोग रहेंगे, लेकिन प्रभु जी का दिल तो बहुत बड़ा है, घर भी बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर घर है, बहुत बहुत सोच समझ के बहुत सुंदर इंटीरियर किया हुआ है घर का, बहुत सुंदर घर है। हम लोग और कार्यक्रम करते रहेंगे ये घाट के ऊपर में, सारे भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट? हरे कृष्णा। तो उपस्थित सारे भक्त की ओर से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे ऋषिकेश आनंद प्रभु के। प्रभु जी चार धाम होके आए हैं, चार धाम होकर आने के बाद मंदिर से सीधा इस घर में पहला प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सब जैसे जानते हैं कि प्रभु जी बहुत कीर्तन रसिक है, उनका कीर्तन बहुत मधुर होता है, जैसे आपने अनुभव किया कि हम नृत्य कर रहे थे। प्रभु की अटूट श्रद्धा है, विश्वास है हरि नाम के प्रति, तो इतना समय निकाल के यहाँ पे हमें संग देने आए, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करेंगे तीन बार जोर से बोल के। और सबसे विशेष हम सारे भक्तगण और प्रभु जी की ओर से हम बहुत बहुत आभारी है विकास राजपुरोहित प्रभु, उनकी भारिया चंदा और उनके दो कुमार पुत्र गगन प्रभु और परम प्रभु। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट किया, इतना सुंदर उनका घर है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और सारे भक्तों को बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने स्वागत किया जैसे आपने देखा, और नीचे सबकी बहुत ही सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। तो हम उनका भी आभार व्यक्त करेंगे तो प्रभु जी के लिए थोड़ा महाप्रसाद आया है मंदिर से, तो वो हम विकास हम चाहते हैं कि प्रभु जी विकास प्रभु को अर्पण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अलावा हमारे उपस्थिति में काफी सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, अनेक अलग अलग जगहों से वैष्णवगण यहाँ घाटकोवर में उपस्थिति दिए हैं, जैसे हमारे श्रीमान वैकुंठ लोक प्रभु, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे जगतपति प्रभु आए हैं, हमारे किशोर प्रभु जो हमेशा हमें सहायता करते हैं हर कार्यक्रम में, हमेशा आगे बढ़ के सेवा में रहते हैं, हमारे विपिन प्रभु। इसके अलावा हमारे मुकुंद प्रभु आए हैं, बालकृष्ण प्रभु साकिनाका से आए हैं, डोंगुली से हमारे मंगेश प्रभु आए हैं, वसई से हमारे अनिरुद्ध प्रभु आए हैं और